go! Let go! Fire! तेरह अप्रैल साल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? आज के इस हिस्से में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली इस घटना की एक सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आजादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल, रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था, लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के